नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गेमिंग टेक में। तो स्टूडियो में यहाँ पे बात करने वाले हैं आज के दिन का आईपीएल का जो मैच खेला जाएगा, जो कि अब होगा फ्रेंड्स किंग्स इलेवन पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल के बीच में। इसकी हम लोग यहाँ पे आप लोग को ड्रीम इलेवन की स्मॉल लीग की प्राइम टीम, साथ में आप लोग के लिए यहाँ पे ग्रैंड लीग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट और की प्लेयर है उनके बारे में यहाँ पे डिटेल्स बताएंगे। बस फ्रेंड्स यहाँ पे पिच रिपोर्ट और जब भी दोनों टीमों के बीच में आपस में हेड टू हेड मुकाबले हुए तो उनके बारे में भी हम लोग देखेंगे, प्लस करंट फॉर्म और जो हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे की पार्ट रहता है कि टॉस फैक्टर यहाँ पे किस प्रकार से काम करेगा, यानी अगर आपको किंग्स इलेवन पंजाब पहले बैटिंग करते नजर आएंगे तो आपको किस प्रकार के रन और किस प्रकार के विकेट यहाँ पे गिरते नजर आएंगे। वही फ्रेंड्स अगर आपको दिल्ली कैपिटल पहले बैटिंग करती तो आपको किस प्रकार के रन और किस प्रकार के विकेट यहाँ पे गिरते नजर आएंगे। लगभग सारी चीजें हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके विनिंग के जो चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाए और मैच के रिगार्डिंग जो भी आपका कॉन्सेप्ट हो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लियर हो पाए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जरूरी जो आप लोग के लिए जानना होता है वो होता है कि हमारी टीम आकर परफॉर्मेंस कैसी करती है। तो यार जो हमने आपको कल की टीम दी थी किस तरीके से सुपर डुपर हमारा क्लीन स्वीप रहा था, आप लोगों को मैं एक बार यहाँ पे टेलीग्राम पर दिखा देता हूँ, आप लोग YouTube पे जाके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे चार मेंबर में हम लोगों ने यहाँ पे पूरी तरह से क्लीन स्वीप किया है, ठीक है। और दो मेंबर में तो फ्रेंड्स लगभग क्लीन स्वीप ही है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो हमारे जो एक मेंबर्स हैं इन्होंने यहाँ पे वीडियो भी भेजी है, देख सकते हो इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी लीगें दिख रही है, सारी लीगें हमने यहाँ पे क्लीन स्वीप की है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा इससे पहले भी यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स पूरी तरह से आपको क्लीन स्वीप दिखेगा। 10 मेंबर में भी सेकेंड रैंक हमारी आई है और यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड्स 4 मेंबर 3 मेंबर तक आपको यहाँ पे पूरी तरह से हमारी जो यहाँ पे लीग से क्लीन स्वीप देख सकते हो। हमारे जो कैप्टन थे फाफ डब्ल्यूएसएस वाइस कैप्टन थे बटलर, बाकी टीम कॉम्बिनेशन भी आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा हमारा टीम कॉम्बिनेशन था फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स यार आई होप आप लोग ने भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे विन किया होगा। आप लोगों ने विन नहीं किया तो यार आप लोग भी इस ग्रुप के साथ जुड़ जाना, लिंक आपको टेलीग्राम का जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और फ्रेंड्स इस यूट्यूब चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। आप चलते सिंपली यहाँ पे मैच की तरफ। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स टेबल की बात करेंगे, तो पॉइंट्स टेबल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले पॉइंट्स टेबल में आप लोग देख सकते हो दिल्ली कैपिटल यार नंबर 1 पे चल रही है, 9 मैचे खेले, 7 मैच विन किए हैं, 2 ही मैच यहाँ पे हारे हैं, यानी कि दिल्ली का जो परफॉर्मेंस चल रहा है काफ़ी बेटर चल रहा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे देख सकते हो किंग्स इलेवन पंजाब ने फ्रेंड्स टोटल यहाँ पे 9 मुकाबले खेले हैं और 3 मुकाबले यहाँ पे विन किए हैं, 6 मुकाबले हारे हैं, यानी कि लास्ट सेकेंड पोजिशन पर यहाँ पे चल रही है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम और दिल्ली कैपिटल की नंबर 1 पे। यानी कि दिल्ली कैपिटल का जो फॉर्म है फ्रेंड्स काफ़ी गजब का चल रहा है और किंग्स इलेवन पंजाब लगभग आप लोग समझ सकते हो कि यहाँ पे बाहर हो चुकी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यार दिल्ली कैपिटल के विन करने के चांस काफ़ी ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू किंग्स इलेवन पंजाब। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों टीमों के बीच में एक मुकाबला हुआ था आपको पता है पिछले महीने 20 तारीख को, ठीक है, जो फ्रेंड्स यहाँ पे टाई हो गया था सुपर ओवर में, पता है यहाँ पे दिल्ली कैपिटल ने उसे 2 विकेट से विन कर लिया था, ठीक है। देख सकते हो ये वाला मुकाबला 157 रनों का इन्होंने स्कोर किया था और फ्रेंड्स ये सेम ग्राउंड पे ये मुकाबला हुआ था, तो आप लोगों को ये ध्यान रखना कि दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में ही ये मुकाबला हुआ था, यानी कि दुबई के जो यहाँ पे स्टेडियम है फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों टीमें आपस में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर लेती है, ठीक है, जब भी एक दूसरे के सामने आई है। तो फ्रेंड्स इसके अलावा यार यहाँ पे आप लोग देखोगे जो 2019 वगैरह का मैच हुए हैं, वैसे ये रिकॉर्ड उतना मायने नहीं रखता क्योंकि अभी पिच चेंज है फ्रेंड्स, प्लेयर चेंजेस है, तो ये रिकॉर्ड मेरे हिसाब से उतने मायने नहीं रखता। फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब ने और दिल्ली ने टोटल 4 मैच खेले, 4 में से फ्रेंड्स 3 मुकाबले यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब ने विन किए हैं और फ्रेंड्स यहाँ पे 1 मुकाबला यहाँ पे ओनली दिल्ली कैपिटल ने विन किया है। लेकिन अभी करंट फॉर्म दिल्ली कैपिटल का अच्छा चल रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी शानदार, और एक मैच जो हो चुका है इस सीजन में उसे भी यहाँ पे सुपर ओवर में दिल्ली कैपिटल ने विन किया, यानी कि दिल्ली कैपिटल के यहाँ पे विन करने के चांस बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाते हैं। अब आप लोगों को क्या करना फ्रेंड्स, यहाँ पर 70-30 का आप लोगों को रेशियो लेना कि 70% यहाँ पे विन करने के चांस हो जाते हैं दिल्ली कैपिटल के और 30% थोड़ा सा मतलब जिस हिसाब से यहाँ पे लास्ट मैच टाई हुआ था इन दोनों के बीच में 30% चांस थोड़ा सा दिल्ली कैपिटल की भी हो जाता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल भी चाहेगा यार कि सॉरी यहाँ पे किंग्स इलेवन पंजाब भी चाहेगा कि वो मतलब अपना लास्ट मुकाबला कम से कम यहाँ पे विन करके जाए, ठीक है। तो दिल्ली कैपिटल का यहाँ पे विन करने का काफ़ी हाई चांस है। लास्ट 5 मुकाबले भी आप लोग देख सकते हो, 4 मुकाबले इन्होंने विन किए हैं, 1 मुकाबले इन्होंने हारा है, ठीक है। और यहाँ पे दिल्ली किंग्स इलेवन पंजाब का फॉर्म आप लोग देख लो, 5 में से फ्रेंड्स 1 मुकाबला इनका ड्रॉ हुआ है और 3 मुकाबले इन्होंने हारे हैं और 1 मात्र मुकाबला इन्होंने लास्ट के मुकाबले में विन किया है, यानी कि फॉर्म बहुत ही बेकार चल रही है किंग्स इलेवन पंजाब की। तो हमें थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत होगी यहाँ पे दिल्ली कैपिटल के प्लेयरों पर। अब चलते फ्रेंड्स सिंपली टीम की तरफ। तो यार टीम मैंने आप लोग के लिए बना के रखी है, उम्मीद करूंगा कि ये वाली टीम भी आप लोग के लिए पूरी तरह से जैकपॉट टीम निकले जैसे कि कल की हमारी टीम निकली थी, और उससे पहले भी आप लोगों ने देखा कि 80 से 90% जो हमारी टीमें रहती है अल्ट्रा क्लीन स्वीप चलती है, ठीक है। आप टेलीग्राम पर जाकर क्रॉस चेक कर सकते हो, आपको सारे प्रूफ वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे, ठीक है। अब चलते फ्रेंड्स आज की टीम की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे विकेट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो विकेट कीपर सेक्शन में आप लोग देख सकते हो लोकेश राहुल के साथ में, या लोकेश राहुल की बात करूँ तो लास्ट 3 मैचों से आपको पता है मैन ऑफ द मैच चल रहे हैं और फ्रेंड्स बहुत ही गजब के प्लेयर यहाँ पे है
लोकेश राहुल, फिर भी यार इनकी टीम जो है उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही जितना अच्छा कि लोकेश राहुल कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर निकोलस पुरन आपके पास एक और चॉइसेस है, लेकिन आपको पता है किंग्स इलेवन पंजाब की टीम वैसे ही फ्लॉप चली, तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स सिर्फ एक यहाँ पर विकेट कीपर लोकेश राहुल के साथ जाएंगे, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट है और काफ़ी अच्छे क्लासिकल प्लेयर है। ठीक है, तो निकोलस पुरन को भी आप लोग चाहो तो ले सकते हो, लेकिन ग्रैंड लीग वगैरह पर आप लोग फोकस करना है इनके ऊपर, स्मॉल लीग के लिए मतलब उतने अच्छे नहीं। फिर एलेक्स कैरी आपके पास ऑप्शन है ग्रैंड लीग में, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, और ऋषभ पंत आपको पता है लास्ट तीन मैचों से नहीं खेले फ्रेंड्स, अगर खेलते हैं तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, आप चलते हैं यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में, तो देख सकते हो टोटल चार बैट्समैन साथ में गया हूँ। पहला नाम आता फ्रेंड्स यहाँ पे श्रेयस अय्यर का, जो कि काफ़ी शानदार और काफ़ी मतलब क्लासिकल प्लेयर है दिल्ली कैपिटल की तरफ से। आपको पता फ्रेंड्स यहाँ पर रिसेंट फॉर्म मतलब काफ़ी गजब की चल रही है। ठीक है, लास्ट के मैचों की बात करूँ तो 53 रन बनाए थे, उससे बाद यहाँ पे 23 और उससे पहले यहाँ पे 42, लगभग फ्रेंड्स अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे रहता है यार श्रेयस अय्यर का, काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर मुझे लगा यहाँ पे इस सीरीज में, तो काफ़ी गजब का परफॉर्मेंस कर रहा है, तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता। फिर क्रिस गेल की बात करूँ तो यार लास्ट दो मैचों खेले हैं क्रिस गेल ने, आप लोगों को पता फ्रेंड्स एक मैच में यहाँ पे अब 53 रनों की इनिंग खेल चुके हैं, एक मैच में यहाँ पे 24 रनों की। तो गेल के बारे में यार आप लोग को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, किस तरीके की हार्ड हिटर बैट्समैन है आप लोग जानते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जितनी भी बॉल मिले अगर इन्हें 10-15 बॉल भी मिले खेलने को, तो फ्रेंड्स इजिली यहाँ पे 40-50 रन यहाँ पे बना सकते हैं गेल, तो इतनी कैपेबिलिटी है गेल के अंदर। ठीक है, इन्हें हम लोग बिल्कुल अवॉइड नहीं करेंगे इस बॉलिंग की टीम में। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मयंक अग्रवाल के साथ में, अग्रवाल की बात करते हैं यार अग्रवाल का भी फॉर्म काफ़ी अच्छा चल रहा है इस सीरीज में, तो फ्रेंड्स अग्रवाल ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन फिर भी इनकी टीम जो है किंग्स इलेवन पंजाब मतलब जीत नहीं पा रही है, अच्छे मैचेस यहाँ पे नहीं खेल पा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मयंक अग्रवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट बैट्समैन हमारे लिए हो जाते, तो इनको मैं यहाँ पे लेके चला हूँ। फिर शिखर धवन की बात करते हैं, लास्ट तीन मैचों से आपको पता है कि यहाँ पे शिखर धवन भी काफ़ी गजब की फॉर्म में चल रहे हैं। ठीक है, लास्ट तीन मैचों की बात करते हैं, लास्ट मैच में सेंचुरी मार चुके हैं 101 रन। ठीक है, उससे पहले 57 रन और उससे पहले यहाँ पे देख सकते हो 69 रन, यानी कि लास्ट तीन मैचों से शिखर धवन इस तरीके से फॉर्म में चले, बैक टू बैक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। ठीक है, उससे पहले शिखर धवन की फॉर्म बहुत ही बेकार चल रही थी, लेकिन यार लास्ट तीन मैचों में शिखर धवन ने बता दिया कि उनके अंदर अभी भी वही पोटेंशियल वही कैपेबिलिटी है कि वो किसी भी मैच में मतलब किसी की मैच का रुख पलट सकते हैं। ठीक है, तो ये चारों हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही की बैट्समैन मेरे हिसाब से होने वाले हैं। इसके अलावा जो आपके पास और ऑप्शन बचते हैं जिनमें आप लोग थोड़ा सा फोकस कर सकते हो ग्रैंड लीग में, बाकी स्मॉल लीग जैसे मिनी ग्रैंड लीग वगैरह खेलते तो उन पर भी आप लोग थोड़ा सा इन पर फोकस कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे फ्रेंड्स नाम आता पृथ्वी शॉ का, वो काफ़ी शानदार बैट्समैन है, लेकिन रिसेंट फॉर्म अच्छी नहीं चल रही, इसलिए स्मॉल लीग में आप लोग नहीं लेंगे, ग्रैंड लीग के लिए आप लोग चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। फिर ठीक फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रेंड्स अजिंक्य रहाणे हैं, रहाणे फ्रेंड्स हर मैच में किसी न किसी बहाने से आउट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यार रहाणे का भी फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा, तो रहाणे को भी आप लोग को यहाँ पे ड्रॉप करना है स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे कोई खास ऑप्शन है नहीं, अब चलते हैं यहाँ पे सिंपली ऑलराउंडर सेक्शन में, तो एकमात्र ऑलराउंडरों के साथ में गया हूँ। ठीक है, मार्कस स्टॉइनिस आपको पता है हर एक केसेस में चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो, हर एक केसेस में आपको अच्छे खासे रन बना के और अच्छे खासे पॉइंट यहाँ पे निकाल के देंगे। ठीक है, और विकेट की बात करूँ तो आपको पता है किस लेवल के बॉलर है, किसी भी मैच में आपको 3 से 4 विकेट निकाल के मैच का पलड़ा पलटते हुए नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो ग्रैंड लीग में आप लोग इन्हें कैप्टन में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में तो सिर्फ लेके चल सकते हो, इस बॉल लीग में भी आप लोग कैप्टन तो नहीं पर वाइस कैप्टन मेरे हिसाब से इनको रख सकते हो। ठीक है, इनके अलावा अक्षर पटेल आपके पास एक शानदार ऑप्शन है, अल्टरनेट ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये भी हम अभी नहीं ले रहे अक्षर पटेल को फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देख सकते हो अक्षर पटेल भी लगातार विकेट निकाल लें और बैटिंग से भी अच्छा परफॉर्मेंस करें, तो अक्षर पटेल भी आपके लिए एक मतलब अच्छी चॉइस हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मैक्सवेल की बात करूँ फ्रेंड्स, मैक्सवेल का फॉर्म बहुत ही बेकार चल रहा है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स आपको पता है मैक्सवेल की बैटिंग किस लेवल की है और बॉलिंग में किस लेवल की है, अभी करंट फॉर्म अच्छा नहीं चला, लेकिन क्लास याद रखना मैक्सवेल का बहुत ही सुपर है, तो मैक्सवेल किसी भी मैच में आपको ग्रैंड लीग विन कराने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, जो आप टारगेट बनाते हो ग्रैंड लीग का, उसमें ऐसे ही प्लेयर परफॉर्मेंस करके आपको ग्रैंड लीग विन करा सकते हैं, तो मैक्सवेल को आप लोगों को ग्रैंड लीग में ट्राई करना और किसी एक टीम में आपको कैप्टन भी जरूर से ट्राई करना है। ठीक है, इसके अलावा फ्रेंड्स कोई खास प्लेयर है नहीं जो यहाँ पे खेलेगा, और इनकेस खेलता तो टेलीग्राम पे हम लोग हैं ही आप लोगों को अपडेट करने के लिए। ठीक, अब बात करेंगे बॉलिंग सेक्शन की, तो देख सकते हो यार टोटल 5 बॉलरों के साथ में गया हूँ। सबसे पहले एक चीज़ आपको बता दूँ बॉलिंग में फैक्ट, कि जो दिल्ली कैपिटल के डेथ ओवर के बॉलर है फ्रेंड्स, उनको बहुत ज़्यादा विकेट मिलते हैं और काफ़ी अच्छी इकोनॉमी रेट होते हैं, लगभग 9 के इकोनॉमी रेट से वो बॉलिंग कराते हैं और विकेट भी मैक्सिमम जो निकालते हैं वो डेथ ओवर ही में दिल्ली कैपिटल के बॉलर निकालते हैं। तो डेथ ओवर के जितने बॉलर हैं दिल्ली कैपिटल के, आप लोगों को उनको कवर करके चलना है। ठीक है, पहला नाम आता है कगिसो रबाड़ा, इनके बारे में तो आप लोग जानते हैं फ्रेंड्स किस लेवल के बॉलर है और किस लेवल के विकेट निकाल सकते हैं, लगभग हर मैच में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं विकेट इन्होंने निकाल लें। ठीक है, इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे अर्शदीप सिंह के साथ में गया हूँ, यार शानदार बॉलर है ये भी। ठीक है, अच्छे खासे विकेट निकालने तो हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर नॉटेज की बात करें तो नॉटेज आपको पता ही है यार क्या फॉर्म चल रहा है नॉटेज का। ठीक है, लास्ट के दो दो
लास्ट के मैच में दो दो विकेट निकाल चुके, उससे पहले भी आप लोग देख सकते हो हर एक मैच में लगभग इस बंदे ने भी विकेट निकाल के दिए, ठीक है। फिर मोर्गन अश्विन के साथ में गया हूँ, ठीक है। मोर्गन अश्विन आपको पता फ्रेंड्स किस लेवल के बॉलर है और लगभग ये भी विकेट निकाल ही रहे हैं, तो हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर फ्रेंड्स लास्ट के दो मैचों से जो बंदा यहाँ पे खेला तो सर देश पांडे आपको पता है किस लेवल का बॉलर है, लास्ट के दो मैचों में 3 विकेट ये भी निकाल चुका। तो ये पांचों बॉलर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इनके अलावा जो आपके पास ऑप्शन बचते हैं आप लोग यहाँ पे मोहम्मद शमी के साथ जा सकते हो, ठीक है। तो शमी फ्रेंड्स आपके लिए एक अच्छी चॉइस यहाँ पे हो सकती है। फिर आर बिश्नोई भी आपके पास एक ठीक ठाक चॉइस है, तो इनको भी आप लोग यहाँ पे अल्टरनेट प्लेयर के रूप में अगर चाहो तो चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। फिर फ्रेंड्स रविचंद्र अश्विन भी आपके पास एक अच्छे खासे ऑप्शन है अवेलेबल, लेकिन अश्विन का भी मतलब यहाँ पे विकेट मतलब कभी कभी तो अच्छे विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी भी अश्विन को यहाँ पे विकेट नहीं मिलता, यानी कंसिस्टेंट यहाँ पे विकेट नहीं निकाल के दे रहे रविचंद्र अश्विन। लेकिन अच्छे बॉलर है, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखना कि अश्विन किसी भी मैच में 3 से 4 विकेट भी निकालने की क्षमता रखते हैं, तो इनको भी आप लोग ग्रैंडिंग वगैरह में थोड़ा सा मतलब फोकस करके चल सकते हैं। स्मॉलिंग में अगर आप लोग नहीं मिले तो ऐसे प्लेयरों को तो यार आपकी टीम में मुझे नहीं लगता कि उतना खास फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास बैकअप के लिए जो प्लेयर है अगर इनके से अच्छे विकेट निकाले तो जो बैकअप हमारे प्लेयर है वो मतलब उन्हें कवर कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको लोगों को ध्यान में रखनी होती है कि आपका जो कॉम्बिनेशन रहता है कि अगर सपोज दैट आप लोगों ने किसी प्लेयर को नहीं लिया है तो उस प्लेयर को जो बैकअप देंगे उन बैकअप प्लेयरों को आपको लेके चलना होता है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट सा वीडियो आने वाला है, तो आप लोग चैनल पर बने रहिए। अब चलते सिंपली कैप्टन और वाइस कैप्टन की तरफ। तो कैप्टन हमारे लोकेश राहुल रहेंगे, जो कि आपको पता बैक टू बैक 3 मैचों में मैन ऑफ द मैच रह चुके हैं और शानदार तरीके से परफॉर्मेंस करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट और अच्छे कैप्टन होने वाले वो होने वाले लोकेश राहुल। वाइस कैप्टन उन्होंने यहाँ पे श्रेयस अय्यर को रखा है, जो कि आपको पता है फ्रेंड्स हर एक मैच में आप भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और काफ़ी कंसिस्टेंट यहाँ पे नजर आ रहे हैं, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टन ये होने वाले हैं। आप चाहो तो धवन को भी ले सकते हो, लेकिन फ्रेंड्स धवन पे मैं इतना भरोसा नहीं करता हूँ, ठीक है। इसलिए मैं धवन को एज अ वाइस कैप्टन नहीं ट्राई कर रहा हूँ। वैसे 3 मैचों से धवन का फॉर्म भी काफ़ी गजब का चला है, ठीक है। श्रेयस अय्यर हमारे वाइस कैप्टन है, बाकी आप लोग चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट क्रिस गेल को भी एज ए कैप्टन वाइस कैप्टन, ये भी आपके पास एक सेफ और अच्छी चॉइस मेरे हिसाब से हो सकती है। फिर मयंक अग्रवाल भी जिस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो ये भी मतलब थोड़ा बहुत दावेदार हो जाते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के, तो इन पे भी आप लोग चाहो तो फोकस कर सकते हो। बाकी स्टोनिक्स जैसे मैंने कहा था कि आपके लिए एक अच्छे वाइस कैप्टन का चॉइस हो सकते हैं, तो स्टोनिक्स को भी आप लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। स्टोनिक्स के साथ आपको एक फायदा ये है कि अगर ये बैटिंग से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो बॉलिंग से आपको एक आध विकेट निकाल के आपकी जो वाइस कैप्टन की रिक्वायर्ड है उसे फुलफिल यहाँ पे कर सकते हो। तो इनको भी आप लोग चाहो तो एज ए वाइस कैप्टन यहाँ पे रख सकते हो। अब चलते फ्रेंड्स टीम के फाइनल प्रीव्यू की तरफ। तो कुछ इस प्रकार से हमारी टीम बन के आई, देख सकते हो काफ़ी शानदार कॉम्बिनेशन है और काफ़ी टीम क्योंकि काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना, सेम टू सेम टीम को आपको लगा लेना है बैट बॉल रन पे, ठीक है। अगर आप लोगों ने बैट बॉल रन पे खेलना स्टार्ट नहीं किया तो कर लो यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। जैसे ही आप लोग लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50 रुपये का इंस्टेंट कैश बोनस आपको उसी टाइम मिल जाएगा। फिर आपको हर एक आईपीएल के मैच में आपको 10,000 का गिव अवे मिल जाएगा, देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड्स 0 एंट्री फीस है, 10,000 यहाँ पे प्राइज है, ठीक है। 2,000 विनर है और एक नहीं दो नहीं 3 टीम आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। 3 टीमों के साथ आप लोग जा सकते हो, बाकी अदर लीग भी आप लोग देख सकते हैं 49 वाली 39 में, ठीक है। 20 वाली 18 में, 555 वाली 499 में, यानी इस ग्रैंडिंग में फ्रेंड्स आप लोगों से यहाँ पे लेस एंट्री फीस ली जा रही है। फिर आप लोग जैसे यहाँ पे फर्स्ट डिपॉजिट करते हो कितना भी आप लोग कर सकते हो आपके पैसे यहाँ पे डबल हो जाएंगे, 100% आपको कैश बोनस मिलेगा, ठीक है। 10,000 तक ये मैक्सिमम है, यानी कि 100 डालोगे 200, 1,000 डालोगे 2,000 और यहाँ पे 10,000 डालोगे तो 20,000 आपके पैसे हो जाएंगे, ठीक है। फिर 75% सेकंड टाइम में आपको कैश बोनस मिलता है, थर्ड टाइम में आपको 50%, चौथी टाइम में आपको 25% यहाँ पे कैश बोनस मिल जाता है, यानी कि बोनस के यहाँ पे भरमार है। सबसे अच्छी बात यह है कि बोनस आपका कभी भी यहाँ पे एक्सपायर नहीं होगा, आप उसे लाइफ टाइम तक यूटिलाइज और एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे बोनस की बात करूँ तो यहाँ पे बोनस की बहुत सारी लीगें आती है, ठीक है। मैच से 1 घंटे पहले अगर आप लोग आके चेक करोगे तो आपको 100% कैश बोनस वाली लीग भी मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे देखोगे तो आप लोग हेड टू हेड में भी यहाँ पे अच्छा खासा बोनस यूज कर सकते हो, ठीक है। देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे 10% तक आप लोग हेड टू हेड में भी बोनस यूज कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 10 टीमें रहेंगी, 5 विनर रहेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10% तक आप लोग बोनस यूज कर पाओ। फिर आप अगर आप लोग फ्रेंड्स हेड टू हेड और स्मॉल लीग अगर आप खेलते हो, आई होप ज़्यादातर लोग वही खेलते होंगे, तो आपके लिए जो सबसे लेस एंट्री फीस वाली एप्लीकेशन ऑल ओवर मार्केट में चल रही है फैंटासी में, तो फ्रेंड्स वो है बैट बॉल इलेवन। देख सकते हो यहाँ पे जो लीग यहाँ पे आपको मिलती है 5199 रुपये की, जिसमें 10,000 प्राइज़ है, वही लीग आपको ड्रीम इलेवन में मिलेगी 5750 रुपये की, यानी कि इसी लीग में आपको सिर्फ 551 रुपये की एंट्री फीस कम है। इसके अलावा आपको अदर लीग भी देख सकते हो, जैसे 2727 वाली वही आपको 2875 में मिलती है ड्रीम इलेवन में, ठीक है। इसके अलावा ये 1599 रुपये वाली जिसमें 3,000 प्राइज़ है,
वही लीग आपको मिलेगी 1750 रुपये की। तो देख सकते हो फ्रेंड्स कितनी कम आप लोगों से यहाँ पे एंट्री फीस ली जा रही है, तो आप लोग अपने पैसे यहाँ पे बचा सकते हो और कम पैसों में आप लोग वही चीज़ें यहाँ पे विन कर सकते हो। प्लस विनिंग के चांस भी काफ़ी ज़्यादा हाई है अकॉर्डिंग टू ड्रीम इलेवन, क्योंकि फ्रेंड्स ड्रीम इलेवन में करोड़ों लोग खेलते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है अभी, तो आप लोग यहाँ पे इजिली आके विन कर सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से आइए और खेलना स्टार्ट करिए, फ्री में 10,000 का गिव अवे हर एक आईपीएल में मैच में ले जाइए और फ्रेंड्स कम से कम एंट्री फीस में यहाँ पे बहुत सारा पैसा आप लोग लेके जा सकते हो। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे रेफरेंड से भी बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो यार जल्दी से आइए और यहाँ पे खेलना स्टार्ट करिए, फिर आपको सेम डे यहाँ पे इंस्टेंट कैश विड्रॉ आपको आपके बैंक अकाउंट पेटीएम वगैरह मिल जाता। फिर कस्टमर सपोर्ट की बात करूँ तो मोर में जाकर आप लोग देख सकते हो जो कॉल बैक का यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें नंबर भी दे रखा है और ईमेल आईडी दोनों चीज़ें दे रखी है, यानी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग डायरेक्ट इन्हें कॉल कर सकते हो या फिर इन्हें ईमेल कर सकते हो। बाकी कोई भी दिक्कत आएगी तो आपका भाई है यहाँ पे, ठीक है, 100% ट्रस्टेबल ऐप है। कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कोई भी अगर दिक्कत आ रही है, या फिर टेलीग्राम पे आप लोग बता सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यार आप लोगों को इतना ही बताना था, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप लोग इस चैनल पे आए, कुछ भी अच्छा लगा हो चैनल पे, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स।